अभी इससे पहले तुम लोग किसी क्लास हुई है? यस सर, कितने यस सर, अराउंड कितने बच्चे होंगे? 21 थे। 21। ठीक है, 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट आ रहे होंगे। चलो बच्चे आते जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेके कुछ और। आज का वैसे टॉपिक है हम लोगों के पास फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों में से जिसको समझ में आए वो बताते जाना। ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन करोगे तो ही आपको वो चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ आपको थोड़ा बेटर समझ में आ रही होगी, है ना। एक देखो, हम लोग का डेली का रूटीन होता है, सुबह उठते हैं, उसके बाद जो हमारे लेक्चर के टाइम आ जाते हैं हम लोग लेक्चर लेते हैं। आप लोग सुबह से शाम तक जितने भी टाइम की ड्यूरेशन है, अप्रॉक्सीमेट मान ले तो 3 PM के आसपास, 3 बजे के आसपास तक के लेक्चर आपके होते होंगे। ठीक है, अभी अगर इसी शेड्यूल के बाद आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, वेकेशन मिलता है, या कोई भी गर्मी समर कोई भी इस तरह की छुट्टियाँ मिलती हैं और आप प्लान करते हो बाहर जाने का, कहीं भी बाहर, तो जो बाहर जाने का प्लानिंग करते हो उसको कैसे मैनेज करते हो? या अचानक से खाली जो अपना सामान उठाया हो चल देते हो, या क्या करते हो? कोई एक जिसको समझ में आए कि अगर आप बाहर जाते हो तो उसके लिए पहले प्रोसीजर क्या चीजें आप पहले तैयारियां करते हो, प्रिपरेशन किस तरह की करते हो? घूमने जाना है, किसी से मिलने जाना है, लेकिन हम अभी का नहीं क्योंकि आजकल तो कोरोना चल रहा है, ये जो पूछा जाना है आप कहो तो कोरोना काल है, लेकिन थोड़ा पहले भी आप गए भी होंगे। मेरे ख्याल से सारे बच्चे कहीं ना कहीं घूमने जाते ही थे, तो आज के भी 2 साल से ही ये ब्रेक लगा हुआ, नहीं तो इससे पहले आप लोग गए भी होंगे। तो जो गए थे तो क्या सीधे चले गए थे, या आपके पेरेंट्स जो अगर साथ में गए थे तो क्या उन्होंने कोई प्रिपरेशन की थी, या कुछ किया था या नहीं, कुछ सोचा था या नहीं? फटाफट बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, हमारे 21 बच्चे हो जाएंगे या फिर हम लगेगा तो हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो जब तक आप आंसर दो। सर बैकपैक किया था, जरूरी सामान रखा था हाँ, वेरी गुड, चल दिए थे। सर, टिकट्स बुक कराई थी, कहीं जाना था तो अब कम से कम थोड़ा बेटर बता, कहीं जाना था तो हमें टिकट बुक कराई, जहाँ सर जाना पहले था तो प्लानिंग करना। यस वहाँ सर, की प्लानिंग। और किस तरह की प्लानिंग की? जैसे कहीं स्टेशन के बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, हाँ सर कौन सी यानी ट्रेन से जाएंगे, ये चीज कौन से स्टेशन पर उतरेंगे ये। अच्छा, वेरी गुड। नॉर्मल मैं भी बताता हूँ जो आप लोगों ने प्रोसीजर किया था, तो मैं भी इसी तरह का प्रोसीजर करता हूँ। तो अगर हम मनाली शिमला या कहीं पे भी आपको जाना होता तो मैं अपना क्या करता हूँ, पहले से ही लगभग सबसे पहले तो होटल बुकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और अगर आप लोगों को नॉलेज भी साथ में मिल जाएगी इसकी, अगर उसको होटल को बुक करना है तो आप अप्रोक्सीमेट 1.5 महीना पहले बुक करो। 1.5 महीने पहले बुक करने से यही जो ऑफर भाई, ये जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं आपको बहुत अच्छा ऑफर देती हैं। 3,000 का होटल अप्रोक्सीमेट आपको 1,500 के अंदर बैठ जाएगा, हो सकता है 1,000 के अंदर आ जाए, लेकिन थोड़ा सर्च करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको बहुत बेटर रहता है। उसके बाद टिकट, जैसे आपने बोला टिकट की बुकिंग होगी, वहां पे जाएंगे तो हमारे लगेज में कौन कौन सा मिनिमम सामान हो, मैक्सिमम नहीं मिनिमम सामान होना चाहिए वो होना चाहिए। उसके बाद आप जब जाओगे तो वहाँ के डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं जो आपको घूमने, समथिंग इस तरह के। उसके बाद रिवर्स आना है तो कौन सी गाड़ी से वापस आना है, और फिर क्या प्रोसीजर है, तो बाद में तो हम रूटीन में आ ही जाएंगे। इतना प्रोसीजर डायरेक्टली होता है, तो ये कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर माइंड में सेट करते हो या अपने साथ वालों से डिस्कस करते हो, इसके एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट चार्ट बनता है जो हो सकता है आपने रिटर्न में लाए हो। हम ज्यादातर कोशिश क्या करते थे कि रिटर्न में ले आते थे और पूरे प्लेसेस का भी हम चार्ट बना लेते हैं, कहाँ कहाँ हमें रोटेट घूमना है, और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है, क्योंकि हम लोग को जो स्पेसिफिक छुट्टियां मिलती थी, जैसे अब एज ए स्टूडेंट एक आध दिन आप एक्स्ट्रा मान लोगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पे आगे एक्स्ट्रा पढ़ लोगे, ठीक, कवर अप कर लोगे,
हमारे केस में तो हम लोग की सीधे लीव कट रही होगी, तो हमें ध्यान में रखना है कि अपने टाइम ड्यूरेशन जितनी छुट्टी है उसके बीच में ही आ जाना है। तो हमारी फिक्स प्लानिंग होगी, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, हम पूरी प्लानिंग करके चलते हैं वापस आते हैं। तो अगर हम इतनी चीज देख रहे हैं, तो एक चीज हमें एक चीज और आई, हमारे पूरे डेली रूटीन से ये हटके काम हुआ और फिर वापस हम अपने डेली रूटीन में आ गए। इस पूरे वर्किंग को अगर आपने ठीक से ऑर्गेनाइज किया तो आपका बहुत बढ़िया वर्क होगा और हमारे जो डेली रूटीन है उस पर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो कुछ इसी तरह का काम जो हम देख रहे हैं कि हमने सारा काम एकदम अलग से कर लिया, बढ़िया से मेंटेन कर लिया और हमारे डेली रूटीन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, इसी तरह का काम हम फंक्शन के थ्रू भी करते हैं। फंक्शन को हम लोग मेथड भी कहते हैं, और मेथड कहो या फिर फंक्शन कहो, इसके अंदर कुछ ऐसा काम, यानी कि आपको कुछ ऐसा काम करना है जो हमारे मेन को डिस्टर्ब किए बिना हो जाए और वापस हम जब भी मेन में आए तो हमारे मेन से कोई ज्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। तो हम काम करते हैं फंक्शन के थ्रू, या फिर हम ये कहें आपको हमने कह दिया बैंकिंग सिस्टम बनाइए, तो बैंकिंग सिस्टम बनाने का मैटर हो गया कि अगर हम बैंकिंग सिस्टम सारा का सारा मेन में बनाने लगेंगे तो बहुत लार्ज हो जाएगा मेन, और मेन के बाद उसमें जब हम एरर्स आएंगी तो हम लोग ढूंढते रहेंगे कहाँ पे एरर है, क्योंकि सारा काम एक साथ आप कर रहे होगे, मैशी हो चुका होगा, जगल हो चुका होगा, तो उसमें बहुत मेहनत से आप उसकी एरर फाइंड आउट कर पाओगे और फिर उसको सलूशन कर पा रहे होगे। इस तरह की प्रॉब्लम का सलूशन एक पाया है, नाम है फंक्शन, यानी कि सी के अंदर फंक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं और उन फंक्शनों ने इस तरह की प्रॉब्लम को रिसॉल्व किया है। यानी कि जब भी आपको बंच ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ आपके स्टेटमेंट्स एक साथ वर्क कराने हो या फिर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, तो आप बिना मेन को टच किए अपना टास्क बाहर से परफॉर्म कर लो, मेन के एकदम बाहर। मेन के बाहर का मतलब होता है जो पब्लिक स्टेटेड वॉइड, या सॉरी यहाँ पे आपका वॉइड मेन या फिर इंट मेन जो होता है उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी इन द सेंस कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर वर्क करना। इसके बाहर हमने अलग से वर्क किया है, कुछ मेनी के जैसा मेथड बनाया, नाम चेंज कर दिया और उसके अंदर अपना सारा काम किया, और हमने उसको जब हमें रिक्वायरमेंट हुई तब हमने उसको कॉल कर लिया, तो इजीली हमारी परफिंग वर्किंग परफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह का पूरा वर्क हमारा मेथड या फिर फंक्शन के रूप में जानते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चे अभी भी देखो धीरे 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 बढ़ रहे हैं, तो आप बढ़ते रहेंगे, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम स्क्रीन शेयर कर दें आपको, सर कम हो गए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आते जाते रहेंगे, क्योंकि ये है क्या ना ऑनलाइन में कई बार हमने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि ब्रॉडबैंड इसीलिए ले रखा है कि नेटवर्क की इश्यूज ना आए, तो अब ब्रॉडबैंड आप लोगों से बस कह सकते हैं अगर हो पाए तो मैनेज कर लो, नहीं तो फिर सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अपनी नीड होती है। तो अगर पहले जैसे हम लोग पढ़ाते थे तो जियो का सिग्नल आ रहा है नहीं आ रहा है, और आपका कोई और फोन है तो उसका सिग्नल आ रहा है, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो नेटवर्क है तो बेल एंड गुड, क्योंकि अगर बच्चा ऐड होके कम हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क के इश्यूज ज़्यादा हैं, तो अब यही हम मान के चलेंगे और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरी स्क्रीन शेयर होगी सबको, यस सर, यस सर। देखो यहाँ वाले हम लोगों ने लूप पढ़ लिए थे, लूप जहाँ पे खत्म किया है ना, मैंने इसलिए एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दिया है, इसमें लूप खत्म हो गया, खत्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लूप खत्म हो गया है, लूप अब आपके सारे स्टार्ट हुए हैं, इफ कंडीशंस आपकी अब स्टार्ट हुई है ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा देने का मतलब होता है हमने एक बार आपको चीजें समझा दी हैं, अब उसको जितना ज्यादा आप इम्प्लीमेंट करोगे, जितने ज्यादा आप प्रोग्राम बनाओगे, उतना ज्यादा आपको और उतना बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं कोशिश यही करूंगा कि एक से दो क्लासेस लेने के बाद, उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग क्लासेस दो तीन होंगी उनमें मैं प्रोग्राम दूंगा, और कोशिश करिएगा कि आप वहीं पे सॉल्व कीजिए और एरर्स अपनी पूछते जाइए, क्योंकि ऑनलाइन में हम आपके सामने तो होंगे नहीं, लेकिन आप अगर हमसे ऑनलाइन के फॉर्मेट में पूछोगे कि एरर आई सर वो हमने स्क्रीन शेयर कर दी कि इस एरर कौन सी, तो मैं आपको रिसॉल्व करा दूंगा, तो उसमें कोई इश्यूज नहीं होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन है तो हम अब कह सकते हैं, आप सुन सकते हो, सुनने के बाद आप ही को इम्प्लीमेंट करना है उस चीज को। तो
तो अगर प्रोग्राम आप बनाओगे तो ये प्रोग्रामिंग समझ में आएगी, अगर नहीं बनाओगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि खाली इसको ऐसे हमने फॉर लूप आपसे कहा था, व्हाइल लूप कहा है, ये खाली पढ़ लेने से समझ में नहीं आएगी, है ना। और स्पेशली रूप से एक साथ सारे लूपों पे काम मत करना, एक लूप को पकड़ के चलना पहले, एक लूप अगर आपको समझ में अच्छे से आ गया तो सारे लूप अपने आप समझ में आ जाएंगे। स्लाइटली डिफरेंस होता है, फॉर लूप में आपको पता होता है कितनी बार लूप चलेगा, वाइल लूप में आपको ये पता नहीं होता कि कितनी बार लूप चलेगा। अगर हमें ऐसा काम करना हो कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार चले या कितनी बार ना चले, हमें एटलीस्ट वन टाइम्स अपने लूप जरूर एक्सिक्यूट कराना है, तो फिर हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं, है ना। इतना स्लाइटली डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपकी टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, क्योंकि वाइवा का बहुत बेटर क्वेश्चन है। अगर फॉर लूप आता है या वाइल लूप आता है तो लूप छोड़ के सबसे पहले यही पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ये टिप ऑफ टंग पे याद होना चाहिए। और उसके बाद जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, सर समझ में नहीं आ रहा है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है ना, तो ये भी क्वेश्चन का मेरे पास सोल्यूशंस होता है। एक चीज पहले मैं आप लोगों की स्क्रीन डिस्प्ले करूं। अच्छा, आप लोग कितने बच्चे यही कहते हो जो मैंने भी बोला कि सर प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आई, हाँ या ना? कोई है ऐसा कि समझ में सबको आ रही है? सर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए प्रोग्रामिंग नहीं है, तो उनको उनको नहीं समझ में आ रही है बस। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को एबीसीडी समझ में आई थी? क्योंकि सर तो बैठे बैठे कैसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एबीसीडी समझ में आई थी, है ना, अजीब सा क्वेश्चन है, एबीसीडी समझ में आई थी? सर उस लेवल में एबीसीडी भी मुश्किल लगती थी जब छोटे थे बेटा। हाँ, हम अभी आप तो यही बताने वाले हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने एबीसीडी, अब हम लोग सोचते नहीं ना कि ये ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, और सी के बाद डी आएगा। तो अभी मेरी बच्ची अभी तो ज्वाइनिंग की, वो सब ऑनलाइन हो गया और मुझे उसको पढ़ाना पड़ रहा है, एक एक पन्ना, यानी कि ए को हम शार्ट, हमने तो अपने हिसाब से पढ़ा, भाई टीचर आदमी हो और कंप्यूटर के हैं, तो हमने सब कंप्राइज निकाल लिया है, वो आपको डिस्प्ले करा दूंगा, तो मैं एक बार चलो देखूं सामने है तो मैं उसको डिस्प्ले भी कराता हूँ, समझ में आएगा कि आपको कैसे सी पढ़नी हो, कब आएगा उसको समझ में, दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा माइंड क्लियर हो। और कोई भी चीज एक साथ आप लोग हजम नहीं कर सकते, कुछ टाइम लगता है, तुरंत ही अगर हम ये सोचे कि हमें पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाए, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो ये मुश्किल होता है। पहली बार सुनते हैं तो कहते एकदम नहीं तो नई चीज है, उसके बाद धीरे 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 हमें उसकी हैबिट होने लगती है, और जब हम दो चार छह प्रोग्राम बना लेंगे या फिर देख के सीख लेंगे, उनको खुद से जब बना लेंगे, तब जाके हम कुछ नया काम कर सकते हैं। ये देखो, ये भी बता दूं कब है, ये तब है जब उसने मतलब भर का एबीसीडी लिखना सीख लिया, तब मैंने यहाँ पे दो बार ए लिखा है, जिसमें बी में उसको दिक्कत थी उसको तीन बार दिया, फिर सी क्योंकि वो बना लेती है इसको दिया, डी अभी भी नहीं बनाती है थोड़ा दिक्कत आता है उसको ध्यान देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हम एबीसीडी आपको बता नहीं रहे, आपको ये समझा रहे कि सेम इसी प्रोसेस से हम लोगों को भी गुजरना होता है। जैसे ही हमारे लिए सी लैंग्वेज नहीं आती है तो हम कहेंगे अरे यार ये तो एकदम वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दी, पता नहीं कहाँ जा रही है ना। तो लेकिन जैसे ही हम एक से दो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे उसको करते जाएंगे, तब आएगी। जैसे ही छोड़ दोगे तो अक्सर देखते हो कि हम पढ़ाते पढ़ाते सोचते अरे हम कहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे। रीजन क्या होता है कि कई बार हमारा दिमाग इधर उधर होता है, हमने दो तीन नहीं देखा, तो हमारा वो चीज उस वहां पॉइंट से हटने लगता है, तो हमें भी उसको कंटिन्यू करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे रोक के बता रहा हूँ कि ये जो फॉर लूप खत्म हुए हैं, ये खत्म नहीं हुए, ये अब स्टार्ट हुए, इनको आपको ध्यान से समझना है। इसके बाद ये जो फंक्शन अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से आपको सारा काम जो आप फॉर लूप व्हाइल लूप इफ के साथ करोगे, वही वो मैं सारा काम दूंगा फंक्शन के साथ। आपको सारा काम करना है फंक्शन की हेल्प से, ना कि मेन के अंदर, क्योंकि अभी हमारी सारी आदत थी मेन की। तो चलो सब कुछ छोड़ के हम फंक्शन, हाँ हाँ पूछो, कुछ पूछ रहे थे सर। वो जो स्विच केस वाला आपने बताया था क्लास ली थी, हाँ उसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। हाँ रुको रुको, मैं भूल लिख लूँ, मैं भूल जाऊंगा। स्विच केस की रिकॉर्डिंग दीजिए ना आपको,
हाँ सर, क्योंकि आपने फ्राइडे लास्ट फ्राइडे को आपने बोला था कि मैं सैटरडे या संडे को वो शेयर कर दूंगा। भूल गया होगा बेटा, अभी मैं दे दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? मैंने लिख ओके सर, दिया है, आज कर दूंगा किसी समय, जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि उसमें कभी ओके होता सर। सर है। सर एक और चीज़ आपसे पूछनी थी सर। पूछो। मैं कल एक प्रोग्राम सर रन करा रहा था, सर उसमें वॉइड मेन दिया हुआ था ऊपर, हाँ तो सर उसमें रिटर्न टाइप आखिर में जीरो लिखेंगे, रिटर्न जीरो। हाँ वैसे मैंने इसको, जो आप हमसे पूछो, मैंने स्टार्टिंग के जब क्लासेस लिए थे उसी समय इसकी चीज़ों को रिसॉल्व कर दिया था। पूछ रहे हो तो दोबारा से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो हाँ फिर मैं अगर पहले भी दो बार पूछ चुका हूँ, बाबा भूल जाता हूँ। तो फिर लास्ट टाइम पूछ लो, क्योंकि इसको अब आपको समझ लेना है, अपने पास कहीं नोट डाउन कर लो। रीजन क्या हो रहा है कि ओके हमारा आगे भी कंटिन्यू हम बढ़ते जाएंगे, हमें बताने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग का असल में सेशन भी काफी पीछे हो गया है। तो आप अगर अलग से पूछोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे बच्चों का भी टाइम इसमें आया। आप मुझसे अलग से फोन कर लिया करो जब होता है ना, तो मैं उसमें ही बता बाकियों दूंगा को भी सर इसमें डाउट था, इसमें, इसी चीज में जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है? अब हम फटाफट सुन लो एक लाइन में, और रिमेनिंग जिन्होंने बाई चांस बाद में ज्वाइन किया वो भी सुन लें। देखो इंट मेन, अगर हम वापस जाते हैं इंट मेन के ऊपर, तो देखते कोई प्रोग्राम बना हुआ है तो थोड़ा सा समझा दे, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। ये देखो यहाँ पे हमारे पास इंट मेन लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे है रिटर्न जीरो। इंट यानी कि ये एक फंक्शन है, और कोई चीज़ ऐसी है जो रिटर्न करा रहा है। पहली चीज, अगर रिटर्न कराएगा तो फिर हमें रिटर्न मेंशन करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमें रिटर्न है, या तो जीरो होगा या वन होगा। जीरो का मतलब है कोई एरर नहीं है, और वन का मतलब होता है एरर होती है। इंट मेन का मतलब होता है कि यहाँ से जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ओएस ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि किसी तरह की कोई एरर एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए हम जीरो दे रहे हैं। अगर वन दे देंगे तो उसको एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा कहीं एरर है, तो वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा। तो समटाइम्स आपको इंट मेन और वॉइड मेन का होता है ज्यादातर, क्योंकि हम लोग सी के अपने अपने खुद के कंपाइलर यूज करें, तो हमें इंट यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं होता है कि हम, आपने देखा होगा तो हम अक्सर वॉइड ही कर देते हैं, है ना? वॉइड ही मेंशन करते हैं। वॉइड का वी छोटा है, ये हमारा असल में जो क्या कहते हैं MS वर्ल्ड है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो वॉइड लिख दो तो यहाँ पर रिटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि तो रिटर्न कराने का मतलब है आप इस पर्टिकुलर फंक्शन से कोई चीज वैल्यूज बाहर सेंड कर रहे हो, जैसे कि ओएस को मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है? तो इसी चीज को भी मैं हम लोग फिर से भी पढ़ेंगे, तो वो जो आपने हमने से क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन अभी और आंसर में बढ़ेगा। तो थोड़ा बहुत मैं सर लिखा, थोड़ा भी और बताऊंगा, ठीक है? सर तो मैंने वो लिखा था प्रोग्राम, उसमें इंट मेन था, नीचे रिटर्न जीरो लिख रहे थे या नहीं लिख रहे थे सर? आउटपुट सेम आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ ना रही थी। ना, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था, क्योंकि मैंने आप लोगों से यही बताया था कि अगर आप लोगों ये काम ऑनलाइन कंपाइलर पे कर रहे होगे तो जो आपने बोला एकदम सही ऐसे ही आएगा, क्योंकि आज बट क्या ऑनलाइन, वार्निंग भी नहीं दे रहा था ना सर, वार्निंग देता है आज वैसे। ये ऑनलाइन कंपाइलर पे करोगे तो इसी तरह का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस है, और उनके लिए उन्होंने स्पेशल सर्वर बना के रखे हैं, ताकि ये जो बेसिक टाइप की एरर है जिसको कंसिडर नहीं किया जाता वो ना हो, है ना? अभी वार्निंग और सब कुछ देगा, जो आपने पूछा उसी के बेस पे देगा, तो हम लोग उसका काम करेंगे तो देगा, ठीक है? तो सर वो पहले बट ये रिटर्न तो वाली दिक्कत में वार्निंग भी नहीं दे रहा था सर, बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था। बता तो रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिन पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वो बहुत ज्यादा एडवांस बना रखे हैं, उन्होंने बेसिक मान के चलता है। ये एक ऐसी चीजें हैं कि ये लोग अक्सर, बच्चे फैकल्टी कोई भी हो, प्रोग्रामर हो कोई भी हो, ये बेसिक मिस्टेक कर सकता है, तो इसको अवॉइड कर दिया ना। तो उन्होंने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया है उनमें इन चीजों को अवॉइडेशन में ऑलरेडी पहले से डाल रखा है ना? तो फिर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं, है ना? तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये चीजें ऑनलाइन पे नहीं दिखेंगी। अभी उसी चीज को मैं यहाँ पे जो फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं ना, यहाँ पे वो चीजें आएंगी सामने, तो हम यहाँ से उसको फिर से समझ सकते हैं। चीज वही आएगी, पैटर्न बदलेगा, ठीक है? तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं आगे क्या होना है इसमें। अब सबसे पहली लाइन को देख लेते हैं। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। फिर से बोल रहे हैं, दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, आपने ढेर सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बनाए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक के ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट कहलाए जाते हैं।
वन बाय वन सब लाइंस हैं जो एज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की तरह से मानी जा रही हैं, और टास्क परफॉर्म क्या होना है, इसको हमें डिस्प्ले कराना है। कहाँ तक डिस्प्ले कराना, जब तक कि हमारा वाइल लूप चल रहा है। ठीक, तो ये हमारा टास्क है कि आप एन नंबर ऑफ टाइम तक हमें परफॉर्म कराना, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बने। और ये जो हमारा मेन आया, ये एज ए फंक्शन की तरह से कॉल होगा। क्यों कॉल होगा, क्योंकि इस मेन के बाद आपने ये देख रहे होगे कि छोटा सा ऐसे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ये सिंबल होता है, सबसे पहला सिंबल है जो बहुत बेसिक सिंबल है, अभी तो और भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैं फंक्शन ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो सबसे पहला बेसिक सिंबल है जो एक्सप्लेन करता है ये एक फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट में क्या पढ़े है, वी कैन डिवाइड अ लार्ज, अब फिर जो मैंने कहा लार्ज प्रोग्राम इंटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बड़े बड़े प्रोग्रामों को हम उसको डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे फंक्शंस के रूप में। यानी कि आपसे कहा गया कि हमने बैंकिंग सिस्टम बनाई, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम मेन में ना बना के हमने छोटे छोटे पार्टों में बना लिया, और उन छोटे छोटे पार्टों को यानी कि फंक्शनों को या फिर मेथड्स को कॉल किया। इसी को फंक्शन और इसी को मेथड भी बोलते हैं। ठीक, उस मेथड को या फिर उस फंक्शन को कॉल कर लिया, तो हमारा टास्क छोटे तो काम किया था, छोटे वर्किंग में आया था, वो हम इजिली परफॉर्म हो जाएगा। द फंक्शन कंटेन्स द सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, अब इन्होंने वही चीज कहा सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, और किसमें वो होते हैं, इनक्लोज बाय ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। यानी कि जहां से मेन आया उसने अपना ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर ढेर सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट मेंशन किए, और जहां पे मेन को बंद कर दिया, तो इसका मतलब हमने उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया, एक हमने बॉडी क्रिएट कर दी जिसमें बता रहे कि ये वाला हमारा बॉडी पार्ट है, और इसके अंदर जितने भी फंक्शन या भी स्टेटमेंट लिखे गए वो इस पर्टिकुलर नाम के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किए जाएंगे। जब भी ये नाम कॉल होगा तो सारे फंक्शन इसके अंदर लिखे हुए ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे वन बाय वन। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि आपने एक काम करके रख दिया और उसको जितनी बार चाहे आप कॉल कर सकते हो। तो वही उन्होंने कहा, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड अ रीयूजेबिलिटी, आप रीयूजेबिलिटी करते हो, और क्योंकि हमने ब्लॉक बना लिया है तो ये मॉड्यूलरिटी पे भी आ गया, हमारा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है और उसको हम जितनी बार चाहे वो कॉल कर सकते हैं। थ्योरी है, पहले थ्योरी एक बार सुन लो, फिर प्रैक्टिकल देखोगे तो यही थ्योरी आपको थोड़ी समझ में आएगी, और फिर से कहोगे तो फिर से इसको हम बता देंगे थ्योरी को। ठीक है, एक बार पूरी थ्योरी सुनेंगे, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, और फिर से ना समझ में आएगा फिर से थ्योरी सुनेंगे, ताकि आपको उस प्रैक्टिकल से कोरिलेट कर पाओगे और सारे एक एक पॉइंट क्लियर होते हैं, क्योंकि फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आगे इसी में कंटिन्यू देख लेते हैं। अ प्रोग्राम क्रिएटेड बाय कलेक्शन ऑफ फंक्शन, प्रोग्राम क्या होता है, ज्यादातर मिनिमम से मिनिमम एक फंक्शन होगा या फिर एक से ज्यादा फंक्शन एक प्रोग्राम के अंदर होंगे ही होंगे। जैसे यहाँ पे कहा है, तो एक फंक्शन कौन सा होता है, ये जो मेन होता है, ये भी मेन हमारा बना बनाया, पहले से बना बनाया फंक्शन है, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको प्रोसीजर्स भी कहा जाता है, या फिर सब रूटीन्स की तरह से भी आप, प्रोसीजरल सब रूटीन्स की तरह से भी आप ट्रीट करा सकते हो। तो कहने के तरीके अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन सी के अंदर आपसे फंक्शन कहा जाएगा या फिर मेथड के नाम से ही ट्रीट किया जा रहा होगा। ज्यादातर इसके लिए सी के अंदर आपको फंक्शन का नाम ही दिया गया है। फंक्शन अगर इतना समझ में आया होगा तो इसमें कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं। जैसे फंक्शन की बात करते हैं, तो वी कैन अवॉइड द रीराइटिंग, अब कई बार क्या होता है, एक ही काम हमें कई बार करना पड़ता है, तो इन्होंने क्या कहा, अगर हमने फंक्शन बना लिया है तो हमें बार बार एक ही काम को करना नहीं पड़ता, सिर्फ हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को बार बार कॉल कर लेते हैं। इतना क्लियर है, इसी के आगे क्या देख रहे हैं, वी कैन कॉल सी फंक्शंस, सी के फंक्शन को हम कॉल करते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, ये कह रहे हैं कि कितने ही भी बार भी आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई की गई है कि आप एक बार कॉल करोगे, दो बार कॉल करोगे, चार बार कॉल करोगे, इस तरह का कुछ भी नहीं कहा गया है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिक्वायरमेंट्स होगी उतनी बार आप इसके फंक्शन जो आपने एक बार बना दिया है उसको आप कॉल कर सकते हो, और किसी भी प्लेस से कॉल कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है खाली मेन से करोगे, आपने एक फंक्शन बनाया और दूसरा फंक्शन बनाया तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हो, ऐसी हार्ड एंड बाउंड नहीं है कि आप केवल मेन से ही कॉल करोगे। जहां जहां
बॉडी ब्लॉक्स मिल जाएंगे, वहां से आप इजीली इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो ये तो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही दिया है, और रीयूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे प्रोग्राम के लिए। ठीक, कॉन्स की बात कर लें, क्योंकि हम बार बार ओ एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास थोड़े से अगर हम देखें तो ओवरहेड जाने की, बार बार कॉल करने की प्रोसीजर बढ़ जाता है। लेकिन वो ये भी अगर सही से देखें तो कॉन्स नाउ के एडवांटेजेस ही है, क्योंकि ओवरहेड ही बढ़ा रहा है, रिमेनिंग सारी चीज़ें हमारी कम कर रहा है। एग्जैक्टली ओवरहेड को ये रिड्यूस ही कर रहा होता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सारे फंक्शन 10 बार, एक ही फंक्शन को 10 बार लिख के वर्किंग कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, या एक फंक्शन लिख दिया उसको एक लाइन से बार बार हमने कॉल कर लिया। एक्सप्लेन करने का पैटर्न है कि आप कैसे बेटर, मतलब एक्सप्लेन कैसे करते हो, समझ कैसे रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिफिनेशन। देखो, फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलवेज कहाँ पे, ग्लोबल एरिया में किया जाता है। ग्लोबल एरिया जैसे कि हैश इंक्लूड हम लोग लिखते हैं, ठीक बाद हैश इंक्लूड के ठीक बाद अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो वो ग्लोबल एरिया कहा जाता है, और उसकी स्कोप पूरे प्रोग्राम में अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसके अंदर आप करते क्या क्या चीज मेंशन हो, फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। यानी कि फंक्शन को उन्होंने लिखने का पैटर्न बता दिया कि ग्लोबल एरिया में हम क्या क्या चीज बताएंगे, फंक्शन का नेम बता देंगे, फंक्शन का पैरामीटर्स बता देंगे और रिटर्न टाइप बता देंगे। अभी आपको मान के चल रहे पैरामीटर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बताएंगे आगे। अभी इतना समझो कि कोई तीन चीजें हैं, तीन चीजों में से आपको एक चीज समझ में आया, जैसे कि मेन लिखते हैं तो वैसे ही फंक्शन का नेम होगा, कुछ ना कुछ नेम दिया गया। मेन हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम कुछ और फंक्शन होंगे। ठीक है, यानी कि जो आप यूजर प्रोवाइड करेगा फंक्शन के नेम, वो प्रोवाइड किया जा रहा होगा, और उसका कुछ रिटर्न टाइप, जैसे मेन में इंट लिखते हैं वैसे ही इसका भी रिटर्न टाइप होगा। अब इसके बाद एक और हमारे पास हेडिंग क्या है, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर, फिर से वही चीज इम्फेसाइज की, कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो प्रोग्राम में। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप केवल मेन से ही करोगे, दूसरे फंक्शंस के अंदर से भी आप कॉल कर सकते हो। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर। अब ये चीज ध्यान में रखना है कि आपने जो ऊपर वाले फंक्शन में जो आपने पैरामीटर लिस्ट बताई है, रिटर्न टाइप बताया है, ये हमारी जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं उससे डिफर नहीं करना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए। और डिफिनेशन भी जब आपने दिए हो तीन, तो ये तीनों चीजों का जो मेन मेन कंटेंट है, यानी कि ये तीनों चीजें जो बोली जा रही हैं, ये हर कंडीशन पे फंक्शन की ऑलवेज हर जगह तीनों जगह सेम होगी। मस्ट नॉट डिफर इन द फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, दोनों में ही आपकी डिफर नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शन एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे हम उतने ही आप फंक्शन इन्होंने की वर्ड लिया है, पैरामीटर्स कह सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप फंक्शन हटा के पैरामीटर लगा लोगे, पैरामीटर्स के आप सेम उतने ही पैरामीटर्स प्रोवाइड करोगे जितने आपने एक बार डिक्लेयर किया है। सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज इट इज डिक्लेयर्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे कि आपने फंक्शन डिक्लेरेशन में आपने पैरामीटर दिए हैं, वैसे ही आप फंक्शन कॉल में भी पैरामीटर्स पास करोगे। अब हम इसते हैं फंक्शन की डिफिनेशन पे, यानी कि फंक्शन के मेन पार्ट पे। ठीक, ये हो गया ग्लोबल एरिया में, छोटा सा आप एक लाइन ऐसे लिख के छोड़ोगे, उसके बाद इसको आप कॉल करोगे, इजीली कॉल हो जाएगा। और कॉल करने के बाद सबसे मेन पार्ट आता है हमारे पास, फंक्शन डिफिनेशन। इट कंटेन द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच आर टू बी एक्सक्यूटेड। फिर से पढ़ रहे हो, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एक्सक्यूटेड। इसके अंदर क्या होता है, ये वो मेन पार्ट है, जैसे अभी हम लोगों ने आपको दिखाया, मैंने दिखाया ये वाला आया, और इसके अंदर इस मेन फंक्शन के अंदर जो नाम प्रोवाइड किया गया है, इसके अंदर जो हमने ये ढेर सारे कंटेंट लिखे हैं, ये मेन पार्ट आ रहे हैं, है ना। तो जहां पे आपने ये पूरा डिक्लेयर किया है, इसकी बात की जा रही है। मेन जैसे फंक्शन है वैसे ही आपने यूजर डिफाइन किया होगा, और यूजर डिफाइन किया है तो फिर उस पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन में
जो आपके ढेर सारे एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं वही मेन पार्ट होते हैं। अगर हम दूसरी तरह से देखें, द फंक्शन डिफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन, यानी कि मेन वर्किंग आप यहीं पे ही करते हो और ऊपर सबसे ऊपर या ग्लोबल एरिया में ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं लोगों को, या फिर अपनी कोडिंग पार्ट को या फिर अपने प्रोग्रामर पार्ट को, कि भाई कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका आप यूज करने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज करते हो, यहाँ से आप कॉलिंग कर रहे होते, यानी कि मेन फंक्शन होगा उसमें से आप कॉल करोगे फंक्शन को या फिर किसी दूसरी जगह से कॉल कर रहे होगे, तो कहीं से भी जहां से भी आप कॉल कर रहे हो तो कॉलिंग के पैटर्न, तो आप कहीं से भी कॉलिंग कर सकते हो। ये दूसरा पार्ट आ गया और मेन पार्ट हमारा ये आ गया। हाँ, एक चीज और जो अभी अभी बच्चे ने पूछी थी वो भी हम एक्सप्लेन कर दें। ओनली वन वैल्यू कैन बी रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, आप केवल एक वैल्यू ही रिटर्न करा सकते हो एक फंक्शन से, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मेन में देखा था तो रिटर्न जीरो था, रिटर्न जीरो का मतलब ये नहीं कि हम आप चार छह वैल्यूज रिटर्न कराएंगे, नहीं, केवल एक ही वैल्यू रिटर्न होके जा सकती है बाहर उस पर्टिकुलर फंक्शन से जहां से वो कॉल हुआ है, यानी कि जहां से इस वाले पार्ट से कॉल हुआ होगा तो यहां से रिटर्न करके वैल्यू आएगी यहां पे, अगर रिटर्न करा गया है तो, नहीं तो फिर नहीं रिटर्न कराया गया है तो फिर नहीं होगी। ये भी रिटर्न कराना और नहीं कराना भी हमारा ऑप्शनल पार्ट होता है, कंपलसरी नहीं होता, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो हम हो सकता है कराएं हो सकता है ना कराएं। अब जो आप लोगों ने फंक्शन देख रखे हैं उनको देखिए, और सबसे पहले कॉपी पेन उठा लीजिए और वहां पे मेंशन कर दीजिएगा टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं सी के अंदर, पहला है लाइब्रेरी फंक्शंस और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक, लाइब्रेरी फंक्शन जैसे कि स्कैनएफ हो गया, प्रिंटएफ हो गया, गेट्स, पुट्स, स्टील, फ्लोर, अभी आप लोगों ने इसका यूज नहीं किया, ये मैथ में यूज हो जाएंगे, मैथ डॉट एट जो आपने शायद लाइब्रेरी यूज की थी उसमें आपका सीलिंग, फ्लोर, तो ये सारे आप फंक्शन वहां पे यूज कर सकते हो। यूजर डिफाइन फंक्शन यानी कि एज स्टील और फ्लोर क्या करता है? हाँ बेटा, ये मैथ के फंक्शन है, इनको हम बाद में समझा देंगे, आपको बहुत शॉर्ट में बता दें, तो अगर कोई भी आपने वैल्यूज न्यूमेरिक लिखी है तो उसका अपर का आपको कंटेंट चाहिए, यानी कि आपने कहा 3.5 तो आउटपुट जो करेगा तो 3.5 की जगह पे 3.56 था, 3.56 जैसे आपने कुछ ऐसा लिखा है 3.56 या 54। ठीक, अगर सीलिंग फंक्शन अप्लाई किया है तो फिर आउटपुट में क्या आएगा इसका 3.6, ये उसने अपर क्लास में प्रोवाइड करा दिया। ठीक, अगर इसी का रिवर्स में हम देखें, फ्लोर देखें, तो फिर हमारा क्या इसका पहले वाले का आउटपुट क्या आएगा, रिड्यूस करके दे देगा, यानी कि इसमें आ जाएगा सिर्फ 3.5 ही दे देगा, या फिर हो सकता है कि आपको 4 दे दे, वो रिड्यूस कर दे, तो ये डिपेंड करेगा, इसके भी फंक्शन के पैटर्न है, भी हम लोग बहुत बेसिक है तो आपको समझा रहे हैं, इसमें इसमें भी ये करता है कि वो अपने नीड के अकॉर्डिंग कितना आपको अपर करना है कितना आपको लोअर करना है ये सब आप डिफाइन कर सकते हो, इसके बीच में पॉइंट लगा के उसकी वैल्यूज को डिफाइन करो, कितने वैल्यूज को आपको अपर करना है लोअर करना है, बहुत सारी चीजें, तो मैथ का भी जब पढ़ाएंगे फंक्शन तो बताएंगे, अभी ये समझ लो ये बने बनाए फंक्शन है जिनमें से मेरे ख्याल से इतने फंक्शन तो आप देख चुके हो, क्लियर है, इतने फंक्शन देख चुके, तो ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है। एक कौन सा और फंक्शन देखा है हम लोगों ने, मेन फंक्शन, मेन भी हमसे पहले से बना बनाया फंक्शन है, यानी कि वो भी एज ए लाइब्रेरी फंक्शन की तरह से ही ट्रीट होगा, और वो एक ऐसा फंक्शन है कि हर प्रोग्राम में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा आपके सी के, उसको आप हटाओगे नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं द फंक्शन विच आर क्रिएटेड, हाँ जो प्रोग्रामर क्रिएट कर रहा है तो आप कोई भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्रिएट कर सकते हो, जितने चाहे आपकी रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उतने फंक्शन क्रिएट करोगे, उनके नाम आप प्रोवाइड करोगे, उनके रिटर्न टाइप, यानी कि सारा काम आप करोगे अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि प्रोग्रामर करेगा जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा है। अब इसमें क्या है, इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिग प्रोग्राम, फायदा क्या, एडवांटेजेस क्या मिल जाते हैं, एक ही जगह सारा काम करने की अपेक्षा ये कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन की हेल्प से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही होती है और कोड का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा रहा होता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन की डिफिनेशन यानी कि डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है वो मेंशन किया गया है, ध्यान से देखेंगे, ये है रिटर्न टाइप, यानी कि हम क्या लिखते हैं, इंट, फ्लोट, डबल या फिर वॉइड, तो वही रिटर्न टाइप आप मिनिमम दोगे। उसके बाद फंक्शन का नेम,
जो भी आपसे काम कहा जाएगा उसके लिए आप पर्टिकुलर फंक्शन का नाम प्रोवाइड करोगे, तो आप फंक्शन का नेम प्रोवाइड करोगे। अगर रिक्वायरमेंट हो, ऑप्शनल पार्ट है ये, कंपलसरी पार्ट नहीं है, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट तब दी जाती है अगर आपसे कहा जाएगा कि भाई हम ये कंटेंट सेंड कर रहे हैं या यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उस यूजर का आपको इनपुट पास करना है, तो आप यूजर से इनपुट मेन से ले सकते हो और उनके पैरामीटर इसमें पास कर सकते हो और उन्हीं का ही यूज करना है, तो फिर आप ये पैरामीटर लिस्ट का यूज करोगे। तो यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद ये वाला पार्ट बॉडी ब्लॉक का हो जाता है, यानी कि कर्ली ब्रैकेट ओपन है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज है तो बॉडी है। अगर बाई चांस कोई ब्रैकेट्स नहीं है तो सिंगल लाइन की बॉडी ट्रीट की जाएगी। इसके बाद अगर एक लाइन कुछ लिखा है तो वही केवल बॉडी होगी, नहीं तो फिर ऑलवेज हैबिट डालेंगे हम लोग सिंगल लाइन ना लिख के, कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, वही आपके फंक्शन उसी के अंदर के जो भी कंटेंट है वो एज ए फंक्शन की बॉडी की तरह से ट्रीट किए जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट नहीं, एन नंबर ऑफ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना बड़ा आप फंक्शन बनाओ, जितनी रिक्वायरमेंट उतना बड़ा फंक्शन बनेगा आप बना सकते हो। अब जो वहां पे लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट और फंक्शन बॉडी, चलो देखिए कोई प्रोग्राम हो तो आप लोग देख देख के सुन सुन के थक गए होंगे, इसको पार्ट को फिर से वापस आएंगे, फिर से समझाएंगे थोड़ा सा जो हमने स्किप किया है, इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। रन कराने के साथ ही साथ हम इसको पहले रन करा के दिखाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर इसको खुद से टाइप करके दिखाएंगे एक एक लाइन, फिर आप बताना कि नहीं समझ में आया तो फिर बताना। ठीक, कॉपी हम देखें हमारे पास कौन सा कंपाइलर है, नहीं है, गूगल पे जाओगे ऑनलाइन कंपाइलर मेंशन कर दो, आ गया, इसको हटा दिया हमने, मेंशन कर दिया, कुछ नहीं समझ में आएगा ये भी मान के चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर ये जो इंट मैक्स है इसमें ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है इंट नम वन और इंट नम टू, हाँ सर बेटा, ये अंदर अंदर भी तो करा सकते थे, मतलब मतलब ये जो ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस ओपन है इसके नीचे भी तो करा सकते थे डिक्लेयर। बात तुम्हारी सही है, अगर 2 मिनट रुक जाओ तो मैं अरेंज करके इसी चीज को डिक्लेयर कर दूं, आपको क्लियर कर दूं, है ओके सर, ना, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें आपको क्या बताना है, तो मैं उसी का ही इंतजार करूंगा, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा तो आपको जो चीज मैं बताऊंगा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब मैंने पूरा प्रोग्राम को थोड़ा सा ठीक से कर लिया है, तो हम प्रोग्राम पर वापस आते हैं और साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम को पूरी स्क्रीन जब तक दिखे तब तक बताना, मुझे थोड़ा छोटा कर लिया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम दोनों स्क्रीनें एक साथ चला लें और हम आपको ये भी बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन पढ़ा है, फंक्शन कॉलिंग पढ़ी है और फंक्शन डिफिनेशन पढ़ी है, ठीक, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने हमसे कोई क्वेरी नहीं की है तो थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा, ये भी मान के चल रहे हैं। अगर हमें समझ में आई है कि 3 चीज़ें हमारे पास एग्जिस्टेंस में आती हैं तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। चलो, फंक्शन सबसे पहले आई डिक्लेरेशन, तो हमारे पास ये वो ग्लोबल एरिया है। देखो जब भी हमने उस समय भी बोला था हैश इंक्लूड के बाद यहाँ पे आप कोई चीज डिक्लेयर करते हो तो ग्लोबल एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखो तो ये ग्लोबल कीवर्ड अटैच किया गया है, तो हम इस ग्लोबल को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके या फिर यहाँ पे पेस्ट करके मेंशन करके लिख देते हैं ग्लोबल एरिया। ये हमारा ग्लोबल सेक्शन है, ग्लोबल एरिया है, ये वो सेक्शन है या वो एरिया है जिसके अंदर अगर आप कोई भी कंटेंट डिक्लेयर करते हो
कोई भी कंटेंट डिक्लेयर करते हो तो उसका स्कोप इस पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्टेंस में आता है। देखो मेरा कर्सर मैं कहाँ तक घुमा रहा हूँ, पूरे प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्टेंस में आता है। ध्यान से मेरा कर्सर, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ, पूरे प्रोग्राम में एग्जिस्टेंस में आता है। अगर आपने यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी के बाद कोई चीज डिक्लेयर की है तो ये इतना ही यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, इससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया जाता है। हाँ, ये डिक्लेयर करने का पूरा आपको छूट है कि आपको क्या डिक्लेयर करना है, अभी मैं वो भी आऊंगा कि क्या डिक्लेयर करना है, तो वो भी आप पूरा डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि इसके अंदर की जो नम वैल्यू है, नम टू वैल्यू है या फिर मैक्स है, उसको अब आप कहीं से भी कॉल करोगे, उसको अब आप कहीं से भी कॉल करोगे तो वो इजिली कॉल हो जाएगा, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस पूरे प्रोग्राम के अंदर अवेलेबिलिटी में रहेगी। ठीक, ये था हमारा ये वाला सेक्शन जिसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक, अब इसके बाद आप आए हमारे पास फंक्शन कॉल, यानी कि कोई फंक्शन, ये हाँ ये लाइन ये भी बताता है कि एक फंक्शन बना हुआ है जो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्टेंस में है, और जिसकी जो मोटी मोटी आप डिफिनेशन कह लो या डिक्लेरेशन का पैटर्न कह लो वो ये है, और उसके अंदर इस नाम से एग्जिस्टेंस में है, और इसके अंदर दो पैरामीटर जो है इंटर टाइप के पास किए गए हैं। तो इससे हमें क्या हेल्प मिल जाती है, तो जब भी हमें इसकी कॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली उस मेथड का नाम लिख देते हैं, और दो पैरामीटर जैसे यहाँ पे इन्होंने नम वन और नम टू दिया था, उनकी वैल्यूज चाहे आप डायरेक्टली यहाँ से ए हटा के 4 कर दो, या और बी हटा के 8 कर दो, चाहे ऐसे दे दो, या फिर वेरिएबल के फॉर्मेट में आप प्रोवाइड कर दो, वैल्यूज देनी है किसी भी तरह से दे दो। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तो फिर आप यहाँ पे भी इंटीजर ही दोगे, अगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है तो यहाँ पे भी आप फ्लोट ही वैल्यू दोगे। ऑलवेज ये दिमाग में आपको रखना है कि इसकी डिफिनेशन से आप, इसके डिक्लेरेशन से आप इसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है, एक चीज और आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंट मेंशन है, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ अंदर से वर्क कराने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न करेगा तो उस वैल्यू को हमें रिसीव भी करना पड़ेगा, यानी कि उस वैल्यू को हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसको स्टोर करने के लिए हमें जिस तरह की इंटीजर, जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीजर, तो हमें एक और वेरिएबल ले लेना है उस पैटर्न का जिस तरह की वैल्यूज यहाँ पे मेंशन किया गया है, और उस वेरिएबल को हमें असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से मेंशन कर देना है, यानी कि जो भी वैल्यूज इसके अंदर आएगी वर्किंग कराने के बाद वापस, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, और फिर हम इजिली, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल लोकल हो गया, ये वेरिएबल लोकल है तो इसको हम लोकली प्रिंट करा सकते हैं। इतना सही में आया होगा? ये जो प्रिंट है सर, ये क्या कहते हैं आपका, नम वन और नम टू को प्रिंट करा देगी। बेटा हम जितना हमने अभी बताया उतना समझ में आया, हाँ या ना? हम नम सर से भी गए थे, नम थोड़ा को प्रिंट करेंगे, कंफ्यूज है। है ना? अभी अगर आप जम करके ना जाओ, अगर आपने कुछ पढ़ रखा है ना, यस सर, उसको अपने पास थोड़ी देर रखो, ताकि हम, इसलिए है कि हम एक एक चीज आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, सारे बच्चे जितने भी हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, उनको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि हम राइट सर, अपने दो ही पार्ट मैंने कवर किया है, अगर हम ये देखें तो फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल, तो फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे हुआ है, फंक्शन कॉल इतनी है, अभी हम फंक्शन की बॉडी पे नहीं मूव करके गए हैं। ठीक, सर एक और चीज पूछनी थी सर, हाँ ये जो इंट नम वन और नम टू जो सर ऊपर ब्रैकेट में मैक्स के पास, हाँ सर अगर ये हम लोग ब्रेसेस ओपन करके नीचे डिक्लेयर कर देते इसके, तो कहाँ पे पूछ रहे हो? सबसे ऊपर सर, हाँ सर, यहाँ पे यहाँ पे अगर ब्रेसेस ओपन करली, ब्रेसेस ओपन करके नीचे डिक्लेयर कर देते तो यहाँ पे आप कह रहे हो ये वाली बॉडी पार्ट लिख देते हो, सर, ये ऊपर वाली जो सर ब्रैकेट में लिखा है मैक्स में, हाँ ये ये जी सर, बेटा अभी मैंने शायद फिर से वापस इस पे जाते हैं पढ़ने वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। देखो अगर हम इसमें फंक्शन की बात करते तो क्या क्या चीज है, फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न टाइम, फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर और रिटर्न टाइम। वापस आते हैं, फंक्शन नेम हो गया, फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन
और पैरामीटर एज इट इज ही पास किया जाता है, जितने आपकी रिक्वायरमेंट होगी, है तो है, नहीं है तो फिर आप ऐसे करोगे। इसकी बॉडी आपको यहाँ पे ऐसे अभी नहीं बनाओगे, वैसे मैं ये भी बताऊंगा कि आप यहाँ पे बॉडी कब और कैसे बनाओगे, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि अभी हम जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, ये है सिर्फ पैरामीटर्स। अभी पैरामीटर थोड़ी देर में आपको समझ में आएंगे ये क्या है, ठीक है। आगे मूव करें अब हम, ठीक है। यस सर, यस। अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं, नाम होता है, रिटर्न टाइप होता है, पैरामीटर होता है। ये लिखने का एक स्पेसिफिक पैटर्न बता रखा है कि आपको इसी तरह से लिखना है। ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर से ध्यान सुनो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके कोड की रिक्वायरमेंट होगी, तब यहाँ पे आप ये प्रोवाइड करोगे, नहीं तो फिर नहीं दोगे। क्योंकि ये ग्लोबल सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे सेमी कोलन से हमने इसको टर्मिनेट करके यहीं पे स्टे कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये होता है कि नीचे इस नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। नीचे कहाँ? नीचे मेन के नीचे, जहां पे मेन आपका वाइंड अप हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे, यहाँ के नीचे कहीं ना कहीं एक फंक्शन बना हुआ है जो इस मैक्स नाम का है, जिसका रिटर्न टाइप इंट है, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास किए गए हैं, नम वन नम टू, ठीक। सॉरी ये करिए, इन वेरिएबल्स को आप बदल सकते हो, इनका कंपलसरी नहीं होना कि नम वन ही रखें या नम टू ही रखें, ये यहाँ से आप वेरिएशन में चेंज कर सकते हो। चलो अब हम यहाँ पे जाते हैं फंक्शन की तीसरे पॉइंट पे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल स्टेटमेंट यही होता है, सारी वर्किंग हमारी यहीं से हो रही थी। एक अगर आपने इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, तो जो ऑप्शनल पार्ट है, तो आपका एक ही वैल्यूज आप रिटर्न करा सकते हो। अब हम यहाँ पे देखेंगे दो कंटेंट है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एज इट इज सेम है। इंट इंट यानी कि कोई वैल्यू रिटर्न कर रही है, मैक्स यहाँ पे लिखा है तो मैक्स यहाँ है। अब ये इस मैक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमें काम करना है उस सर यहाँ पे जो वो नाम लिखा जाए, नाम भी कुछ कोरिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम हमने कुछ भी लिख दिया, तो कुछ भी लिख देने के बाद जब हम बाद में उस फंक्शन को कॉल करेंगे, देखेंगे या पहचानने की कोशिश करेंगे, तो समझ में नहीं आएगा। तो इसकी नाम भी ऐसा रखा जाता है जो कुछ मीनिंग रिलेवेंट होता है, जो हम वर्किंग करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है कौन सी चीज ग्लोबल वैल्यूज है, सॉरी कौन सी मैक्सिमम वैल्यूज है वो पूछी जा रही है। दो वैल्यूज पास की जा रही हैं और उनमें से मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी है वो पूछी जा रही है। तो हमने नाम क्या दिया, मैक्स, ताकि हम ये बता पाए ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी होगी, ठीक। इसके बाद हम इसके अंदर आए, क्योंकि डिक्लेरेशन सेक्शन में दो वैल्यू डिक्लेयर की गई थी, तो हम यहाँ पे भी दोनों ही वैल्यू डिक्लेयर करेंगे जिस सीक्वेंस में थी। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है तो फिर यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर है तो फिर यहाँ पे इंटीजर है, यानी कि सीक्वेंस। अब ध्यान में रखना, इसका सीक्वेंस पहले नंबर पे नम वन आया है और पहले नंबर सॉरी दूसरे नंबर पे नम टू आया है, तो इस सीक्वेंस की अकॉर्डिंग इस नम वन की वैल्यू इस नम वन में जाएगी और इस नम टू की वैल्यू नम टू में जाएगी। अगर आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन वन कर लो यहाँ पे और यहाँ पे आप एन टू कर लो, ठीक। ये वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हो आपकी इच्छा पे, सिर्फ वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स आप चेंज करो आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू जब भी होगी वो इसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट की जा रही होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ट्रीट होने का मतलब इस नम वन की वैल्यू ए में जाएगी सीक्वेंस वाइज और नम टू की वैल्यू बी में जाएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। सीक्वेंस ऑलवेज मेंटेन होगा, अगर इसमें आपका कहीं पे भी फ्लोटिंग डबल कुछ होगा तो उसका सीक्वेंस जो होगा उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही आप पैरामीटर पास कर रहे होगे। इसके बाद हम आते हैं बॉडी पार्ट पे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप वो काम कर रहे होगे जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया होगा। अगर हम आपसे कह दें कि आप अपना नाम प्रिंट कराओ, तो फिर आप यहाँ पे अपना नाम प्रिंट करा रहे होगे। हाँ, इतना चीज जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर रिटर्न है तो इस फंक्शन से एक स्टेटमेंट और आएगा रिटर्न,
और उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल लिया होगा ये लोकल वेरिएबल है, ध्यान से देखो ये वाला लोकल वेरिएबल है, यानी कि इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इतना ही है, और इस इसके बाद इसकी वैल्यू इस वेरिएबल को नहीं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू वापस सेंड की जा रही है यहाँ पे जहां से ये कॉल होगा, और स्टोर किसमें की जाएगी, RECT, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया का लोकल वेरिएबल लिया है जिसका स्कोप 3 लाइन तक का होगा, इसमें सेंड की जाएगी और यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है इसको। ठीक, अब इसके वापस देखते हैं, इतनी चीजें यहाँ पे आ गई। इसी स्लाइड में हम अगर वापस आते हैं तो फिर इसी स्लाइड में यहाँ पे आ गए, इसमें क्या चीजें मेंशन की गई है, एक एनिमल भी पालना दूभर है। यहाँ पे देखते हैं जितनी चीजें यहाँ पे रिटर्न टाइप है, तो फिर आप ये देखोगे कि हमारे पास रिटर्न टाइप है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन नेम, ये देखो मैक्स हमने फंक्शन नेम दे दिया है। पैरामीटर्स, ये हमारे पास पैरामीटर्स है क्योंकि हम इनको फिर से पढ़ेंगे, और इसके बाद फंक्शन की बॉडी, तो ये हमारे पास फंक्शन की बॉडी अवेलेबल है। ठीक, अब पहले हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और फिर जितनी चीजें और यहाँ पे भी वापस थ्योरी पढ़ के देखेंगे, जो चीजें और होंगी उनको फिर कवर करेंगे, नहीं तो फिर हम दोबारा से इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे। देखो आंसर आ गया है हमारा 200। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, मैक्सिमम वैल्यूज आपको बतानी है दो वेरिएबल्स के अंदर, है ना। तो दो वेरिएबल्स क्या है, ये दो वेरिएबल्स हैं। अब हो सकता है कि आपको ये प्रोग्राम दे दिया जाए कि यूजर से आप दो वेरिएबल्स की वैल्यूज इनपुट लोगे और उनको पास करोगे, तो आपको क्या बन करना है, यूजर यानी कि स्कैनफ चलाओगे, दो वैल्यूज आएंगी और उनको यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। तो हम आगे काम और करते हैं, अभी बिना वेरिएबल्स के एक छोटा सा और इसी में इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में करते हैं और उसको कॉल करके दिखाते हैं, यानी कि हम अपना नाम प्रिंट करा के दिखाते हैं। तो प्रिंट करा, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा पूछो। सर मैं पूछ रहा था जैसे इंट मैक्स जो ऊपर डिक्लेयर कराया हम लोगों ने, तो हाँ फिर सर नीचे दोबारा डिक्लेयर करा दिया, और सर ऊपर N1 दिया था, नीचे Num1 है। देखो, मैंने इसीलिए यहाँ पे भी उसी चीज को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया गया है उन्होंने यहाँ पे और यहाँ पे जो सेम रखने का कॉन्सेप्ट है कि कोई मतलब नहीं है, ये वाला एक डिक्लेरेशन सेक्शन है। फिर से मैं इसी पे वापस आपको जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो। ध्यान से सुनना क्योंकि मुझे पता है आपकी दिक्कत कहाँ पे, अभी समझ में क्या चीज नहीं आ रहा है। देखो फंक्शन डिक्लेरेशन, चलो इसको हम दूसरे तरीके से बताते हैं क्योंकि इससे बताएंगे तो आपको उतना बेटर समझ में नहीं आएगा। क्या नाम है बेटा आपका, ऋषभ पूरा नाम क्या है, ऋषभ गौड़ ऋषभ गौर। अब बेटा ये बताओ घर का निकनेम क्या है। सर, ऋषभ ही है। अरे घर में बेटा होता है तो बहुत, जो अगर हमें पेरेंट्स है, दादी मम्मी और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग नामों से भी बुला लेते हैं, निकनेम्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो कुछ छोटा सा जैसे कि अभिषेक का नाम अभी लोग बुलाते हैं, अभिषेक बच्चन का जैसे होता है अभी बुला लेते हैं, अक्सर सुना हो तो। इस तरह से निकनेम होते हैं, किसी और ऋषभ का मान निकनेम है। लीजिए। वैसे हर बच्चे का ज्यादातर होता है कि हमारी गुड़िया का, तो हर आदमी सब अपने अपने जो अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से नाम लेता है। जैसे मैंने सिंपल का गुड़िया, एलिना ग्रेस मसीह नाम है, हम नॉर्मली गुड़िया बोल लेती हैं, कई बार लैया बोलते हैं लड़कियों को, है ना। तरह से निकनेम यस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब हम निकनेम की बात क्यों कर रहे हैं ये भी समझेंगे। यस सर, ऋषभ नाम अगर हमारा है तो ऋषभ नाम एक ऐसा है कि हम कहीं भी जाएंगे तो एक ऐसी वैलिडिटी के साथ है कि अगर आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कोई भी होगा तो उसमें आपने कौन सा नाम डिस्प्ले किया होगा, ऋषभ। ठीक, तो ऐसा नाम जो आप सबको एक्सप्लेन करते हो कहाँ पे होता है, आधार कार्ड के ऊपर, कहाँ पे होता है, वोटर आईडी कार्ड पे, जिससे आप एक्सप्लेन करते हो हाँ हम एग्जिस्टेंस में हैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा आधार कार्ड ये है, मैं ये हूं। तो यहां वाली लाइन जो हम मेंशन कर रहे हैं वो क्या चीज मेंशन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं सी कंपाइलर को, ये बता रहे हैं प्रोग्रामर को कि
एक मैक्स नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो इस मेन के नीचे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर मेन के नीचे एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हमें उतनी कंटेंट बताने पड़ेंगे जो आप मेन के नीचे पूरा वर्किंग परफॉर्म कर रहे हो, उसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंपाइलर को कि भाई कंपाइलर हुआ दोनों चीज के लिए, एक तो कंपाइलर को ये चीज एग्जिस्टेंस में है क्योंकि जब भी कॉलिंग होगी तो सबसे पहले कॉल आके जंप यहाँ करेगा और यहाँ से वो जंपिंग करा रहा होगा। अभी मैंने जंपिंग में मूव नहीं किया है, हम अभी जंपिंग पे भी आएंगे क्योंकि जैसे ही हमारे कंपाइलर पे आएगा आपने यहाँ से मैक्स को कॉल किया, क्योंकि इतना मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि सबसे पहले सी कंपाइलर किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। लेकिन इससे भी पहले कहाँ जाएगा, ये वाले पार्ट जो ग्लोबल सेक्शन में है, यानी कि अगर याद हो तो हमने कहा था हैश इंक्लूड, यानी कि प्री प्रोसेसर से पढ़ाए थे तो बताया था कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर वाला सेक्शन एक्सक्यूट होता है, रन करता है। तो कंपाइलर के पास ये पूरी लाइब्रेरी लोड होके आ गई होगी, और याद हो तो लिंकर का काम था कि लिंकर ने उस लाइब्रेरी को भी लोड करा के हमें प्रोवाइड कराएगा, तो वो कंपाइल होने के बाद देगा। फिलहाल लोड करके प्रोवाइड करने, यानी कि स्टार्टिंग वाला अगर याद हो डायग्राम तो उसमें लोड कराया था, उसके बाद इस फंक्शन को भी वो लोड करके प्रिपेयर कर रखेगा, यानी कि जो चीज आपने पहले इससे पहले डिक्लेयर कर दिया उसको आपने इस प्रोग्राम के एरिया पूरे ग्लोबल एरिया में एक्सप्लेन किया कि भाई एक मैक्स नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अगर आपको यूज करना है तो आप इस मैक्स नाम के फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। इतना क्लियर है ना, समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे कंपाइलर को एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही साथ प्रोग्रामर जो हो सकता है कि आपके प्रोग्रामर में आए और ढेर सारा और काम करें, उनको भी देखते ही सबसे स्टार्टिंग में दिख जाएगा मैक्स नाम का फंक्शन, यानी कि वो समझ जाएंगे एक आपने मैक्स नाम का फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर दो पैरामीटर हमें पास करने हैं। यहाँ पे जो कंपलसरी पार्ट है वो ये इंट है और ये इंट है, ना कि ये वेरिएबल। वेरिएबल्स आपको छूट दी जाती है, आप नाम बदल सकते हो। क्या चीज नहीं बदलोगे वो है ये इंटीजर। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया है तो हमेशा आपको हर जगह इसमें मेंशन करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ेगा, और इंटीजर वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी। तो ये होता है डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो मेरे पास भैया मैक्स नाम का फंक्शन है, इसको मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, और एक बार नहीं जितनी बार चाहे ऐसे मैं कॉल करते जाऊंगा और ये फंक्शन मेरा एज इट इज रिजल्ट परफॉर्म करेगा जैसा मैंने कोडिंग की होगी, ठीक है। तो वो वाला यस हमारा सर, डिक्लेरेशन सेक्शन में आता है जिसमें हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक मेथड हमने क्रिएटेड कर रखा है। तो यहाँ पे भी ध्यान से इन तीनों वैल्यूज को देखोगे तो फंक्शन डिक्लेरेशन है, हम डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार आपसे कहा था ना अपना भाई स्टेटमेंट प्रोवाइड करके आप ही हो, तो आपसे कहा था डिक्लेरेशन आप प्रोवाइड करो, तो हम बताते ना हम एग्जिस्टेंस में हैं, हम ये हैं, हम वो, जो भी जिस चीज के लिए भी आपसे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा हो तो हम डिक्लेरेशन देते। तो वो यहाँ पे डिक्लेरेशन ग्लोबल एरिया में बताया जा रहा होता है। और यहाँ पे देखो कंपाइलर को टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट एंड रिटर्न टाइप, तीनों चीजें हम कंपाइलर को बताएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आएगा सबको। यस सर, चलो अब इसके साथ कितना चीजें नहीं समझ में आया अपनी क्वेरीज करो, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका नेक्स्ट क्लास का भी टाइम होने जा रहा है, तो इसी के आगे तो और थोड़ा रिवीजन के साथ इसी को दोबारा से बताऊंगा। मुझे आपको इसी के अंदर हमें प्रोग्राम आपको और एडअप करके दिखाना था, अगर आप 5 मिनट दो तो मैं एक प्रोग्राम को ऐड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे पास ऑलरेडी रन कर रहा है तो मैं एक और फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा नहीं, ये हमने फंक्शन बनाया है। अब फंक्शन में हमें एक लाइन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्रिंटफ की, नेम प्रिंट करा दिया। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये जो है सबसे पहले एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहिए था, हमें यहाँ पे वॉइड लिखना चाहिए था, और उसके बाद हमें इस फंक्शन का नेम नेम मेंशन करोगे, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो
तो फिर हम एम्प्टी पैरामीटर प्रोवाइड कर देंगे। अब हमें इसको कॉल करने की रिक्वायरमेंट है, तो कॉल कैसे करेंगे, जो यहाँ पे पैटर्न प्रोवाइड किया गया है, जो यहाँ पे पैटर्न प्रोवाइड किया गया है वही पैटर्न आपको यहाँ पे एज इट इज राइट डाउन कर देना है, और इसके बाद इसको रन करा लेना है। अगर हमारा कोड सही रहेगा तो फिर हमें उधर आउटपुट, वॉइड होगा, उधर ऊपर वॉइड होगा। वो मेरा कीबोर्ड की दिक्कत है, तो अगर गलती से सही हुआ देखो तो हमारा प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। तो सब जगह हमने आपको इसलिए तुरंत ही फंक्शन बना के दिखाया है कि आप फंक्शन का काम कितना है, इतना सिर्फ इतना, आपके पास रिटर्न टाइप होना चाहिए, नेम होना चाहिए, पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल पार्ट है, तो हमने ऑप्शनल में नहीं दिया, अपना नाम हमें प्रिंट कराना था, हमने फंक्शन को कॉल करना है तो हमने फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर लिया। यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर लिस्ट के साथ कॉल किया गया, तो पैरामीटर लिस्ट आप प्रोवाइड करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम नेक्स्ट जो भी क्लास लेंगे तो इसी फंक्शन को दोबारा से थोड़ा सा पढ़ते हुए फिर इसके आगे वाले पार्टों को कवर अप करेंगे, ठीक है। अगर हो सके तो आप लोग पास टाइम मिले तो अपना नाम प्रिंट कराना, अगर हो पाए तो कोई एक वेरिएबल जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू सेंड की है, वैल्यू सेंड करके पास कराना, और ढेर सारी अपनी क्वेरीज जनरेट करके रखना ताकि आपकी क्वेरीज जब नेक्स्ट टाइम में हम आए तो उसको रिसॉल्व कर पाए। और जो हमारा सीआर बच्चा है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है तो हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, और सीआर बच्चा जो हमें है वो हमें अटेंडेंस बाद में सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, वैसे तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में रहती है, कोई ऐसा इशूज नहीं है। तो हम वाइंड अप कर रहे हैं, आप लोग भी वाइंड अप कर सकते हैं, थैंक यू सर। वेलकम।